मुझसे कमेंट करके पूछा गया था कि सबसे अच्छी क्वालिटी का जो पंखा है वह कौन सा है, इसकी हम पहचान कैसे करें, क्या क्या उसमें खासियतें होती हैं जो सबसे अच्छी क्वालिटी का पंखा होगा, क्योंकि जब तक आप उन चीज़ों को नहीं जानेंगे तब तक आप सही पंखे का चुनाव नहीं कर पाएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा कुछ पंखों के, जो इन पैमानों पर जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उन चीज़ों पर एकदम जो खड़े हुए हैं, एकदम परफेक्ट साइज़ के जो पंखे हैं उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप चाहें तो वहाँ से खरीद सकते हैं। देखिए जो पंखा है उसमें क्या क्या खासियतें होती हैं उसके अनुसार, देखिए सबसे अच्छा जो पंखा यदि आप खरीदना चाहते हैं, भारत में जो जलवायु है वो अधिकतर समय तक गर्म ही है, मतलब अधिकतर समय तक गर्मी रहती है, इसलिए पंखे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए भारत में सबसे ज़्यादा पंखे का उपयोग किया जाता है। तो एक अच्छा जो पंखा है वो न केवल आपको हवा के दौरान जब हवा देता है वो ठंडी हवा देता है तो वो ठंडक प्रदान करता है, बल्कि इसमें खास बात ये होती है कि पंखा तो आपने ले लिया और पंखा आपको हवा तो दे रहा है वो तो ठीक है, लेकिन महीने के अंत में जब आपको बिजली का बिल देना पड़ता है तो वो बहुत ज़्यादा भारी पड़ता है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप पंखा चलाएंगे उतना ज़्यादा आपको बिजली का बिल देना पड़ेगा। तो कुछ ऐसा हो जाए जिससे बिजली का बिल हमारे ऊपर उतना ज़्यादा लोड ना डाले और हमारा जो ज़रूरत है गर्मी को ख़त्म करने की, हवा लेने की, वो हमारी ज़रूरत पूरी हो जाए। तो उसमें मतलब मिला करके जो इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है, मतलब ऊर्जा जो क्षमता है, दक्षता है, वो भी बेहतर हो पंखे की, तब जा करके पंखा आपका बेहतर हो पाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, देखिए सबसे पहले जो ऊर्जा की जो दक्षता है उसमें सबसे अच्छा होना चाहिए जो पंखा आपका, मतलब उसमें मिला करके स्टार रेटिंग जो है वो अच्छी होनी चाहिए। अब स्टार रेटिंग का मतलब ये हुआ कि जो बाजार में जो पंखे हैं उनमें जो स्टार रेटिंग है, मतलब 1 से लेकर के 5 स्टार तक की जो रेटिंग है, उनके अनुसार जो सबसे अच्छा पंखा होगा, सबसे अच्छी क्वालिटी का जो पंखा होगा उसकी जो रेटिंग होगी वो ज़्यादा होगी, मतलब 1 अगर है तो उससे अगर 2 है तो उसकी रेटिंग और अच्छी होगी, अगर 3 है तो उसकी रेटिंग और अच्छी होगी, मतलब वो और अच्छा एफिशिएंट पंखा होगा। अगर वो 5 स्टार रेटिंग का है मतलब वो सबसे अच्छा पंखा है स्टार रेटिंग के अनुसार, और सबसे अच्छी एनर्जी एफिशिएंट बहुत अच्छा है और हवा भी डिलीवर करने में बहुत अच्छा है। तो स्टार रेटिंग के अनुसार पंखे में यह चीज़ देखी जाती है। उसमें क्या होता है कि ऊर्जा को, मतलब जो ऊर्जा की एफिशिएंट, मतलब जो खपत है उसको बहुत अच्छा मैनेज करता है जो 5 स्टार रेटिंग का पंखा होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें कि जब भी आप पंखे को लें तो उसमें जो स्टार रेटिंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, उससे पंखा आपका बेहतर क्वालिटी का निकल के आएगा। दूसरा है BEE जो है, मतलब भारत सरकार की जो एक कंपनी है जो कि स्टार रेटिंग को निर्धारित करती है, उसका एक पैमाना है, मानक है। उसमें क्या है कि इसमें जो इंडेक्स होता है, मतलब 1 से लेकर के 5 तक का जो इंडेक्स होता है, इसमें जो हवा देने की जो क्षमता होती है उस पंखे की या कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उसकी जो हवा देने की जो क्षमता है, या मान लीजिए एक फ्रिज है आपका तो उसकी जो एफिशिएंसी है, मतलब जो कूलिंग है वो उसको भी, या पंखा है वो हवा कितना अच्छा डिलीवर कर रहा है, या मान लीजिए फ्रिज है आपका या एसी है तो कितनी अच्छा आपको कूलिंग दे रहा है, इन सब चीज़ों को उसमें कंसीडर किया जाता है तब जा करके वो स्टार रेटिंग मिलती है। लेकिन पंखे की रिस्पेक्ट में क्या है कि हवा जो है देने की जो क्षमता है वो बहुत अच्छी होती है यदि आपका 5 स्टार रेटिंग का पंखा है तो, मतलब जो ऊर्जा की जो खपत है उसके बीच में, मतलब जो हवा देने का जो क्षमता है और जो ऊर्जा की जो खपत है, इन दोनों के बीच में जो अनुपात है अगर 5 स्टार रेटिंग का है तो बहुत ही अच्छा अनुपात इन दोनों के बीच में होता है, मतलब मिला करके इनमें जो एनर्जी इफिशेंट जो पंखा होता है वो 5 स्टार रेटिंग का ही होता है सबसे अच्छा। इसमें उच्च, अगर सबसे ज़्यादा यदि आपका 5 स्टार रेटिंग, मतलब जितना ज़्यादा स्टार रेटिंग उतना अच्छा जो है पंखा आपका होगा। ठीक है, अधिक कुशल वो पंखा होगा। आवाज़ की बात की जाए, यदि आप पंखा ले रहे हैं, यदि आप मान लीजिए उसमें आवाज़ आ रही है तो भी पंखा अच्छा नहीं होगा। मान लीजिए रात के समय आप सो रहे हैं या दिन में सो रहे हैं या आप बैठे ही हैं तो एक पंखा यदि आपका चल रहा है तो इरिटेशन होता है कि पंखे में आवाज़ आ रहा है। तो इसमें खास बात यह भी होता है कि अगर एक अच्छा पंखा है तो वो शांत होना चाहिए, उसमें आवाज़ नहीं आनी चाहिए चलने के दौरान। ठीक है, तभी आपको नींद प्रॉपर तरीके से आ सकती है, या कोई काम कर रहे हैं तो आपको इरिटेशन नहीं होगा यदि आपका पंखा आवाज़ नहीं कर रहा है तो। हवा का जो प्रवाह है, जो फ्लो है हवा का, वो बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर पंखा बेहतर क्वालिटी का है तो वो हवा, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि हवा देने की जो क्षमता है वो बहुत अच्छी होती है। तो इसमें क्या होता है कि पंखे में, पंखे को आपने लगा दिया कमरे में तो वो पंखा जो हवा है वो हर कोने में डिलीवर कर सके प्रॉपर तरीके से। ऐसा नहीं कि कोनों में हवा प्रॉपर तरीके से नहीं जा रही है, बीच सेंटर में हवा बहुत
अच्छी आ रही है या कोनों में हवा ज़्यादा जा रही है, बीच सेंटर में हवा कम आ रही है, तो वो पंखा ठीक नहीं होगा। चारों तरफ पूरे कमरे को एयर प्रॉपर तरीके से मिलनी चाहिए, तभी आपका पंखा होगा। मतलब प्रभावी ढंग से फैलाना हवा को, वो होता है। तो यह ब्लेड के आकार और डिज़ाइन पर यह चीज़ निर्भर करती है। जो पंखे का जो हवा डिलीवर करने की जो कैपेसिटी है, वह ब्लेड का जो आकार है, मतलब साइज जो है ब्लेड का, और प्लस उसकी जो डिज़ाइन है, उस पर भी निर्भर करता है। इसके अलावा बिल्ड क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जो पंखा है उसकी जो मजबूत होना चाहिए, पंखा काफ़ी अच्छी क्वालिटी का इसमें मटेरियल का उपयोग किया गया हो पंखे का, जिससे कि वह टिकाऊ होगा, लंबे समय तक आप उसका उपयोग कर पाएंगे। उसकी जो गुणवत्ता है वो उच्च क्वालिटी की होनी चाहिए। उसमें सामग्री जो लगाई जाए, मतलब जो मेटल या जो भी मटेरियल उसमें लगाया जाए, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो पंखे की जो लाइफ है वो काफ़ी अच्छी होगी, काफ़ी लंबे समय तक आप उस पंखे का उपयोग कर पाएंगे। इसमें विशेषताएँ क्या है कि देखिए, कई आधुनिक पंखों में अतिरिक्त विशेषताएँ भी आपको दी जाती हैं। आजकल जो पंखे आ रहे हैं उसमें कुछ और अधिक, नॉर्मली जो पहले पंखे आते थे उनमें क्या होता था, सिंपल आपने बटन ऑन किया, पंखा आपका चलने लगा। लेकिन आजकल जो एडवांस पंखे आ रहे हैं उनमें कुछ और सुविधाएं आपको मिल जाती हैं, जैसे कि रिमोट कंट्रोल की सुविधा आपको मिल जाती है, स्लीप मोड की सुविधा आपको मिल जाती है, और इसके अलावा विभिन्न प्रकार का जो स्पीड वेरिएशन है वो आपको मिल जाता है। ठीक है, तो ये सुविधाएं आपको एक्स्ट्रा मिल जाती हैं आजकल जो पंखे आ रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, ये सारी चीज़ें जिन पंखों में होंगी वो सारे पंखे की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप चाहें तो वहाँ से ले सकते हैं। आपको छांटने या मतलब कहीं से रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, परफेक्ट साइज का पंखा आपको मिल जाएगा। तो ये चीज़ होती है। इसके अलावा ब्रांड भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें तो हैं लेकिन आपको ब्रांड नहीं मिल पा रहा, तो जब ब्रांड नहीं मिलेगा तो उससे भी आपको दिक्कत आएगी। अगर विश्वसनीय ब्रांड का यदि आप पंखा खरीदना, मतलब खरीदना चाहिए आपको, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि क्या होता है कि जाना माना अगर आपने पंखा नहीं लिया, अच्छे ब्रांड का पंखा नहीं लिया है, तो ये सारी चीज़ें आपको लिख कर तो मिल जाएंगी लेकिन एक्चुअल में आपको नहीं मिलेंगी। जैसे कि आपका जो ये मटेरियल है, जो बिल्ड क्वालिटी है, ये लिख करके तो मिल जाएगा कि बहुत अच्छी क्वालिटी का है, इसमें मटेरियल बहुत अच्छा यूज किया गया है, लेकिन आप उस मटेरियल को चेक तो कर पाएंगे नहीं। तो एक सर्टिफिकेशन होना चाहिए। तो सर्टिफिकेशन कहाँ होगा, ब्रांड के साथ में आपको सर्टिफिकेशन मिल जाएगा कि मतलब जैसे बजाज का पंखा है या उषा का पंखा है, तो उसने जो चीज़ कह दी इसका मतलब कंपनी ने उसमें वो चीज़ें डाली हैं। तो वहाँ पर आपको एक जाना माना ब्रांड का भी पंखा आपको लेना चाहिए। उसमें जो है उच्च गुणवत्ता का जो उत्पाद है उसमें उपयोग किया जाता है, यदि आपका ब्रांडेड पंखा है तो। इसके अलावा पंखा खरीदते समय आप कुछ बातें और ध्यान में रखना चाहिए कि देखिए, कमरे का जो आकार है उस पर भी निर्भर करता है। कि ऐसा नहीं है कि मान लीजिए 1200 mm का आपने पंखा ले लिया है, ठीक है, 1200 mm का पंखा ले लिया है, अब कमरा मान लीजिए 15x15 का है, तो आपकी हवा की ज़रूरत पूरी नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसलिए परफेक्ट साइज़ का आप कैलकुलेट कर लीजिए। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा कि किसनी साइज के कमरे के लिए कितने mm का पंखा की ज़रूरत पड़ती है। तो एक सही साइज़ के कमरे के लिए सही साइज़ के पंखे का आप चुनाव करें। इसके अलावा ब्लेड की जो संख्या है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि पंखे में आपका 3 ब्लेड भी आती है और 4 ब्लेड भी आती है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को भी आप निर्भर करता है कि आपको किस कमरे में किस तरह की ज़रूरत का पंखा वाला, ब्लेड वाला पंखा आपको ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पर कौन सा कितने ब्लेड का पंखा आपको लगाना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो मोटर है पंखे में, मोटर का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, क्योंकि वही तो सारी चीज़ें काम करता है, पंखे को चलाता है। तो उसमें अच्छी गुणवत्ता वाले मोटर का उपयोग किया जाए, जिससे क्या होगा कि वो लंबे समय तक चलता रहे और बेहतर परफॉर्मेंस देता रहे। तो इन चीज़ों का यदि आप ध्यान रखते हैं तो आप बेहतर पंखे का चुनाव कर पाएंगे। परफेक्ट साइज़ का परफेक्ट पंखा चुनने में जो भी दिक्कतें आ रही थी उनका सलूशन मैंने यहाँ पर देने की कोशिश की है, तो आप यहाँ से सलूशन ले सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।